अच्छी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है। दीपावली के मौके पर रिलीज होने जा रही कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3, वही सुपरस्टार अजय देवगन की एक्शन पैक्ड फिल्म सिंघम अगेन, ये दोनों ही फिल्में एडवांस बुकिंग में दिन पे दिन करती जा रही है रिकॉर्ड तोड़ कमाई। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करने वाले हैं हॉलीवुड की फिल्म वेनम 3 के 7 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इन सभी फिल्मों दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें हॉलीवुड की फिल्म वेनम 3 के बारे में, जिस फिल्म को इंडिया में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, टोटल 4 भाषाओं में 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया था, और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब हो चुके हैं 7 दिन। हालांकि दोस्तों, यह फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में रिलीज हुए सिर्फ 6 दिन पूरे पाई, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह इस फिल्म ने दुनिया भर में धमाकेदार कमाई की, उसी तरह इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी काफी शानदार कलेक्शन किया है। जी हां दोस्तों, मैक्सिमम इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन आए हैं इंग्लिश वर्जन से, उसके बाद फिल्म ने कमाई हिंदी वर्जन से भी डिसेंट की, साथ ही साथ इस फिल्म के तमिल और तेलुगु वर्जन का कलेक्शन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार रहा। तो अगर बात की जाए यहां पर वेनम 3 के 7 दिनों के ऑल इंडिया टोटल कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों के अंदर ही 35 करोड़ 46 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था। वही फिल्म ने अपने 6ठे दिन भी 3 करोड़ 15 लाख रुपए का नेट कलेक्शन इंडिया में किया। अब बात करें आज यानी कि 7वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि वेनम 3 को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो डिट्टो कल की ही तरह है। जी हाँ दोस्तों, कोई ज्यादा ड्रॉप इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में आज देखने को नहीं मिला, जिसके चलते ही यह फिल्म अपने 7वें दिन भी लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए का नेट कलेक्शन इंडिया से कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, वेनम 3 का शुरुआती 7 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 41 करोड़ 71 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए। अब बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की वेबसाइट्स के मुताबिक वेनम 3 का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग $215 मिलियन का हो चुका है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बनते हैं 1800 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में काफी शानदार कलेक्शन कर चुकी है, और उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म इसी तरह 1 हफ्ते और बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई करके एक सुपर डुपर हिट फिल्म का टैग अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज होने जा रही इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनीस बस्मी ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, विजय राज। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ 1 दिन का समय बाकी है। जी हां दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर, कल 31 अक्टूबर और परसों के दिन यानी कि 1 नवंबर को यह फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों को हाउसफुल करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर भूल भुलैया 3 के सामने एक बिग स्टार कास्ट वाली सिंघम अगेन रिलीज हो रही है, लेकिन भूल भुलैया 3 को पहले ही ऑलरेडी काफी अच्छी स्क्रीन मिल गई है, और यही कहूंगा कि एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन जैसी एक बिग बजट फिल्म को कड़ी टक्कर दे रही है। जी हां दोस्तों, इतना तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक तरफ कार्तिक आर्यन की फिल्म और दूसरी तरफ अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और ढेर सारे स्टार कास्ट की फिल्म, उसके बावजूद भी यहां पर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 जिस तरह से एडवांस बुकिंग में ही शानदार कलेक्शन कर रही है, उसे देखकर इतना ही सोच रहा हूं कि अगर यह फिल्म अच्छी हुई, लोगों को पसंद आई, तो शायद ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। हालांकि दोस्तों, इस वक्त अगर बात करें भूल भुलैया 3 के वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की जो फर्स्ट डे की इंडिया बुकिंग है यानी कि 1 नवंबर शुक्रवार की, वो हो चुकी है 3 करोड़ 64 लाख रुपए की इंक्लूडिंग ब्लॉक्ड सीट। वही दोस्तों, सेकंड डे की जो बुकिंग है इंडिया में वो 1 करोड़ 27 लाख रुपए की हो चुकी है। वही दोस्तों, तीसरे दिन यानी कि संडे की जो बुकिंग है वो इंडिया में 1 करोड़ 92 लाख रुपए की हो गई।
गई है। इसी के साथ दोस्तों भूल भुलैया 3 का जो शुरुआती 3 दिनों के वीकेंड का इंडिया एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 6,83,00,000 रुपए का हो चुका है। वही दोस्तों फिल्म ने विदेशों से यानी कि ओवरसीज मार्केट में भी लगभग 4,98,00,000 रुपए की वीकेंड एडवांस बुकिंग की है। इसी के साथ दोस्तों भूल भुलैया 3 का जो वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन है शुरुआती 3 दिनों का वो 11,81,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार इन 3 दिनों के जो वीकेंड के इस फिल्म की एडवांस बुकिंग है ना दुनिया भर में वो 11,81,00,000 रुपए की हो चुकी है। और उम्मीद की जा रही है कि कल तक इस फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन में और भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ओपनिंग लेने को तैयार है। उसके बाद अगर फिल्म अच्छी हुई तो शायद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर पहले और दूसरे पार्ट से भी ज्यादा कमाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म सिंघम अगेन के बारे में, जिस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें इंडियन सिनेमा के कई बड़े एक्शन सुपरस्टार देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुपरस्टार अजय देवगन, सुपरस्टार अक्षय कुमार, साथ ही साथ में हमारे टाइगर श्रॉफ और रणवीर सिंह। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में विलन के रूप में देखने को मिलने वाले हैं अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ। साथ ही साथ इस फिल्म में हमें 2 खूबसूरत हीरोइन देखने को मिलेगी, एक तरफ है करीना कपूर, दूसरी तरफ है दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों यहां पर सिंघम अगेन का ट्रेलर ही इतना पावरफुल था कि उस ट्रेलर को देखने के बाद हर कोई इस फिल्म के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था। लेकिन दोस्तों अब यहां पर सिंघम अगेन भी एक दिन बाद यानी कि परसों के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है और इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो दुनिया भर में ओपन हो चुकी है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम अगेन की जो अभी भी फुल एडवांस बुकिंग है वो पूरे देश में सही से शुरू नहीं हुई, मतलब कि बहुत सारी स्क्रीन्स पर तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी भी चालू होना बाकी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर सिंघम अगेन का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है ना वो पूरी तरह से शानदार और धमाकेदार हो चुका है, जिसे देखकर इतना ही कहूंगा कि भैया कुछ भी हो जाए सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से फाड़ के रख देने वाली है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ अजय देवगन के फैंस, दूसरी तरफ अक्षय कुमार, एक तरफ टाइगर श्रॉफ, दूसरी तरफ रणवीर सिंह, मतलब कि इतने बड़े बड़े एक्टर इस फिल्म में है। तो अगर सभी के फैंस इस फिल्म को फर्स्ट डे देखने जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि यह मूवी कितना बड़ा कमाल करेगी। हालांकि फिल्म के अंदर आपको बॉलीवुड के एक और बड़े सुपरस्टार का दमदार कैमियो देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हर किसी को पता है, तो मैं यहां पर उनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी से स्पॉइलर देना थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर बात करें सिंघम अगेन के वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम अगेन का जो फर्स्ट डे ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 4,76,00,000 रुपए का हो चुका है ब्लॉक्ड सीट जोड़कर। वही दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की जो सेकंड डे की एडवांस बुकिंग है वो 1,68,00,000 रुपए की ऑल इंडिया में हुई है। वही दोस्तों तीसरे दिन यानी कि संडे की एडवांस बुकिंग फिल्म ने इंडिया में 2,00,00,000 रुपए से भी ज्यादा की कर ली है। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि 3 दिनों का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 8,45,00,000 रुपए का हो चुका है। वही दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में भी एडवांस बुकिंग में काफी तगड़ी कमाई कर ली। जी हां दोस्तों, यहां पर सिंघम अगेन का जो वीकेंड का ओवरसीज बुकिंग कलेक्शन है वो 9,23,00,000 रुपए का हुआ है। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि 3 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 17,68,00,000 रुपए का हो चुका है। तो दोस्तों फिल्म ने एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में तो काफी सॉलिड कमाई कर ली है। अब बस एक दिन का इंतजार है, उसके बाद 1 नवंबर यानी कि परसों के दिन ये फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में धूम मचाने को तैयार है। अब देखना यह है कि भैया परसों यानी कि 1 नवंबर को सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 में से कौन सी फिल्म को पब्लिक ज्यादा पसंद करती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।